रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने बेलगोरोड में धावा बोला है। बेलगोरोड में यूक्रेन ने 56 विस्फोट किए हैं। 24 घंटे के अंदर 56 बार हमले किए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। इधर 5 जून को रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी की और अब अमेरिका पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। 1962 के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के तटीय इलाके के नजदीक तैनात हो चुके हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास गश्त लगा रही है। सीक्रेट तौर पर इस सबमरीन की तैनाती क्यूबा में की गई थी। अमेरिकी नेवी के टोहे विमान सबमरीन की लोकेशन तलाशने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के नजदीक ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर अमेरिकी बेस के नजदीक परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। देखिए क्या है पुतिन का विश्व विजय यज्ञ। रूस से युद्ध भले ही यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन उसका प्रायोजक है अमेरिका। और अब रूस ने अमेरिका से सीधे प्रतिशोध की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने 5 जून को ही ऐलान किया था कि दुश्मन देशों को गलतफहमी हो गई है कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा। Что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету, территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. पांच जून की इस चेतावनी को पुतिन ने सच करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। वॉशिंगटन को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस की एक सबमरीन गश्त लगा रही है। रूस की सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर मिसाइल हैं और ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के करीब मंडरा रही है। पेंटागन से ये खुफिया रिपोर्ट मिलते ही व्हाइट हाउस में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। बाइडेन प्रशासन ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर अटलांटिक महासागर में अमेरिका की पूरी कोस्ट लाइन पर टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के तटीय क्षेत्र में P-8 पोसाइडन टोही विमान उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका का तटरक्षक बल भी तटीय क्षेत्र में गश्त लगा रहा है। अमेरिकी नेवी को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी मिसाइल फोर्सेस को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त रूस की सबमरीन कहां है और उसका टारगेट क्या है।
रूस की सबमरीन अमेरिका के तट से 105 किलोमीटर दूर थी। इस सबमरीन पर कैलिबर एम परमाणु मिसाइलें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबमरीन पर अंडरवाटर पोसाइडन भी तैनात हो सकता है। ये सबमरीन क्यूबा के तट से अमेरिका की तरफ चली है। के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के इतने नजदीक पहुंचे हैं। में क्यूबा में रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात की थी और अब क्यूबा से एक सबमरीन अमेरिका के तट तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस वक्त गंभीर खतरे में फंसा है क्योंकि ये सबमरीन अमेरिका के उत्तर अटलांटिक तटीय क्षेत्र को पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखती है। पेंटागन की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर सबमरीन का नाम काजान है। ये क्यूबा के तट से चली और पहली बार इसे फ्लोरिडा के मायामी शहर से 105 किलोमीटर दूर ट्रेस किया गया। इस सबमरीन की रेंज में अमेरिका के सभी तटीय शहर जैसे जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन और मेन आते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सबमरीन पर परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। यह सबमरीन अंडरवाटर न्यूक्लियर पोसाइडन ड्रोन से भी विस्फोट कर सकती है और ऐसा हुआ तो अमेरिका के उत्तर अटलांटिक महासागर से सटे शहरों में न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रूस ने अमेरिका के खिलाफ दक्षिण अमेरिका प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका विरोधी रणनीति के तहत बाइडेन के खिलाफ दक्षिण अमेरिका में व्यूह रचना शुरू कर दी है। पांच जून को ही बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से मॉस्को दौरे पर गए थे। इस दौरान पुतिन से उनकी लंबी मुलाकात हुई। रूस क्यूबा के साथ साथ बोलिविया की जमीन का इस्तेमाल भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। बोलिविया लैटिन अमेरिका का देश है। अमेरिका के लॉस एंजलिस और टेक्सास से इसकी दूरी 6000 किलोमीटर है। यहां से रूस मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इस देश के साथ साथ रूस क्यूबा से भी बेहतर संबंध रखता है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा से 700 किलोमीटर दूर है। यहां भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। ये अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि रूस उसके सिर पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर देगा। लेकिन रूस ने दक्षिण अमेरिका से ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अमेरिका को घेरने की रणनीति लागू कर दी है। अरब में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह घिरा हुआ है। लाल सागर का संकट अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को हथियार देने का बदला लेने के लिए अमेरिका विरोधी संगठनों को हथियार सप्लाई का ऐलान कर दिया है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्ला और हूती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जल मार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी होती हिस्प बड़े हमले कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि ये भविष्य में भी जारी रहेंगी और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर ये ड्रिल संकट बन जाएंगी।
नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरह रूस ने दक्षिण अमेरिका के बोलीविया, क्यूबा से लेकर यमन, लेबनान होते हुए नॉर्थ कोरिया और चीन तक अमेरिका की घेराबंदी कर दी है। अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो धरती के हर कोने में वो अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का होविट्सर से हमला हुआ है। वज्रपात में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने 20 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेन जल्द ही रूस पर बड़ा हमला कर सकता है क्योंकि उसे गेम चेंजर अमेरिकी सुपरजेट F-16 मिलने वाला है। लेकिन F-16 की तैनाती को लेकर ज़ेलेंस्की ने नई डिमांड कर डाली है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि F-16 नाटो देशों के एयरबेस पर तैनात रहे और वहीं से रूस पर हमला करे। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर रूस और नाटो में युद्ध की शुरुआत होगी, जिससे यूरोप में तबाही का जलजला आ जाएगा। जब F-16 रूस पर बमबारी करेगा तो इसी तरह की तबाही होगी। बस कुछ वक्त और, फिर यूक्रेन को अमेरिका का सुपर जेट मिल जाएगा, जिसके बाद ज़ेलेंस्की का हौसला इतना बढ़ सकता है कि वो मॉस्को तक हमले का फरमान दे सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी है कि रूस यूक्रेन में उन तमाम एयरबेस की जानकारी जुटा चुका है जहां F-16 स्क्वाड्रन रखी जा सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने नेटो से कई डिमांड रख दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि F-16 की तैनाती नेटो एयरबेस पर की जाए। इसके अलावा एयरबेस पर F-16 की सुरक्षा के लिए 2 पैट्रियट सिस्टम लगाए जाएं। F-16 के रखरखाव के अलावा फ्यूल और गोला बारूद का इंतजाम नेटो करे। फाइटर जेट F-16 को यूक्रेनी ट्रेन्ड पायलट ही एरियल स्ट्राइक के लिए लेकर जाएंगे। यूक्रेन नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर F-16 फाइटर जेट पहुंचे, बल्कि वो नाटो देशों के एयरबेस से ही फ्लाई करके रूस पर हमला करे। यूक्रेन को डर है कि रूस F-16 एयरबेस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से उड़ा सकता है, जबकि रूस नाटो देशों पर सीधा हमला करने से बचेगा। अब समझिए कि वो कौन से नाटो देश है जिनके एयरबेस पर यूक्रेन F-16 की तैनाती चाहता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम। खास बात यह है कि इनमें से कुछ देश वो हैं जो यूक्रेन को F-16 देने जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की कोशिश है कि वो अपने एयरबेस पर भी F-16 तैनात करे और यूक्रेन के कहने पर रूस पर हमला करे। यूक्रेन की इस चाल पर रूस ने सीधे धमकी दी है। अगर F-16 नेटो देशों में तैनात हुए तो रूस को उन एयरबेस पर सीधा हमला करने का अधिकार मिल जाएगा। रूस की ड्यूमा डिफेंस कमेटी के चेयरमैन आंद्रे कर्तापोलोव ने कहा है, अगर यूक्रेन का F-16 यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे देश से हमले के लिए उड़ान भरता है तो रूस की एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आ जाएगी और नेटो देशों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगी।
रूस की धमकी के बाद यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि F-16 नाटो देशों में सिर्फ रखरखाव के लिए रखे जा रहे हैं। यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि उसे मिलने वाले F-16 की तैनाती कहां होगी और रखरखाव मरम्मत का काम कब तक चलेगा। रूस जानता है कि F-16 गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए रूस ने अपने बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में तैनात कर दिया है। जबकि आर्कटिक बेस में साइलो से मिसाइलें गरजने के लिए तैयार हैं। हालांकि रूस ने सबोटाज अटैक पहले ही शुरू कर दिए हैं। खासतौर से रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां यूक्रेन ने हथियार छुपाए हैं। पिछले दिनों जर्मनी और पोलैंड के मिलिट्री डिपो में अग्निकांड के पीछे रूस का ही हाथ बताया जा रहा है। पेंटागन ने दावा किया है कि रूस अपने एजेंट्स के जरिए इसी तरह के हमले करवा रहा है। कई देशों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि रूस में भी इसी तरह के अग्निकांड सामने आए हैं। अब रूस का दावा है ऐसे हमले नेटो करा रहा है। उधर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की है, जबकि बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल चल रही है। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी में नेटो और रूस दोनों लगे हुए हैं। खासतौर से F-16 को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। अगर F-16 की तैनाती नेटो सदस्य देशों में हुई तो रूस नेटो देशों पर हमला करके यूरोप में युद्ध का अलार्म बजा देगा। उसके बाद नेटो के पलटवार पर निर्भर करता है कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगा या नहीं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है एटमी तबाही, जिसके लिए अमेरिका और रूस पूरी तरह तैयार है, क्योंकि F-16 उस जंग का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है, अवदीवका में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया है। अवदीवका में रूसी आर्टिलरी का एक्शन, हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। तो हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अवदीवका में रूस का यह बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया को लगातार दहला रखा है और बीती रात यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 10 ATACMS मिसाइलों से विस्फोट किया। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 रडार तबाह हो गए। यूक्रेन के एक दूसरे हमले में रूस के 2 सुखोई 57 तबाह हो गए। सवाल यही है कि पुतिन की सेना अब क्रीमिया की रक्षा कैसे करेगी। क्रीमिया में विनाश की यह वो आग है जो लगातार भड़कती जा रही है। यूक्रेनी फोर्स के हमले से क्रीमिया लगातार धधक रहा है। अमेरिका ने रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट दी तो यूक्रेन ने क्रीमिया को दहलाना शुरू कर दिया।
क्रीमिया में इस बार यूक्रेन ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है, ऐसा ब्लास्ट जिससे क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। यूक्रेन ने आधी रात को अटैक एमिस मिसाइलों से धावा बोला और इसी के साथ रूसी फौज को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में एक के बाद एक 10 अटैक एमिस मिसाइलें फायर की। ये सभी मिसाइलें रूसी सेना के बेस को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के विस्फोट में रूस का एक S-400, दो S-300 और 4 रडार ध्वस्त हो गए। ये क्रीमिया में उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर है जहां यूक्रेन ने 10 अटैक एमिस मिसाइलों से हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के इस अटैक एमिस विस्फोट के बाद क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने क्रीमिया में तैनात अपने सैन्य अफसरों को बड़ा आदेश जारी कर दिया है। रूसी सेना ने कहा है कि सैन्य अफसर क्रीमिया से अपने परिवार को निकालकर मिलिट्री कैंप में शिफ्ट करें। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया से बेलगरोद भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम नई रणनीति के तहत सुरक्षा और हमला करने के लिए उठाया है। रूसी सेना अब घातक पलटवार कर सकती है। यूक्रेनी सेना ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किया बल्कि काला सागर और अख्तोबिंस्क एयरबेस पर भी कई धमाके किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अजोव सागर में भी रूस के युद्धपोत को डुबाने की कोशिश कर रहा है। रूस के अख्तोबिंस्क में एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस के दो SU-57 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। ये सैटेलाइट तस्वीर अख्तोबिंस्क एयरबेस की है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस के दो SU-57 विमान जल गए। जहां पहले विमान खड़े थे वहां राख और मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन का काउंटर अटैक यही खत्म नहीं हुआ, उसने नोवोसख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में रूस के 4,500 करोड़ रुपए के तेल जल गए। सवाल यही है कि आखिर रूस की धरती पर यूक्रेन के अटैक एमएस से हमले कामयाब कैसे हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के अंदर सटीक टारगेट कैसे ढूंढ पा रहा है, उस टारगेट को तबाह कैसे कर रहा है, इस सवाल का जवाब नेटो के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल डेविड बेन वील ने दिया है। उन्होंने कहा है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूस के लड़ाकू विमानों और ईंधन स्टेशनों पर नजर रख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका रूस के एयरफील्ड और पेट्रोलियम ठिकानों की एआई मैपिंग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेनी फोर्स को इनपुट दे रहा है, रूस के अंदर टारगेट की जानकारी दे रहा है। इसी जानकारी की मदद से यूक्रेनी फोर्स रूस को दहला रही है।
अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन रूसी धरती पर सफल हमले कर रहा है। बाइडेन का यही एआई अस्त्र रूसी हथियारों की कब्र खोद रहा है। रूस ने अगर इसकी काट नहीं ढूंढी तो युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।